back to my channel. I'm Anushka. For today's video, I'm going to share with you something new और special यार. इतना ज़्यादा पूछते हो इस बारे में इंस्टा पे मेरे को इस सारे मतलब मैं अगर कोई नई ड्रेस पहनू ना थोड़ी हैवी वाली ट्रेडिशनल वाली तो इतने सारे लोगों के मेरे को कमेंट्स आते DMs आते कि दी मतलब दी बुलाते हैं पता नहीं क्यों बट मैं उनसे छोटी होती हूँ. ओके सो कि ये ड्रेस कहाँ से लिया और ऑनलाइन मिलता है क्या ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आप लोग चेक भी कर सकते हो इंस्टा पे. बट मैं जो भी मेरे ट्रेडिशनल थोड़े हैवी ड्रेस होते हैं मैं कोई भी मतलब रेडीमेड नहीं खरीदती हूँ. वो मेरी मम्मी और दीदी डिज़ाइन करती है और वो सिलने जाता है उसके बाद यू नो स्टिच होके बनता है मतलब कस्टमाइज ड्रेस होता है वो एक. एंड या दैट्स इट. सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ एक शेयर कर दूँ वीडियो कि कैसे बनाते हैं हम ड्रेस. हम नहीं मैं नहीं बनाती मेरा कोई उसमें वो नहीं होता. ओके सो मेरी दीदी और मम्मा कैसे प्लान करती है मेरी दीदी और माँ कैसे प्लान करती है कैसे वीडियो बनाते हैं कैसे हम लोग कपड़े चॉइस करते हैं क्या जो कुछ करते हैं ना सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है आप लोगों के साथ. और आज आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों चिकनी चमेली बन के बैठी है आज वीडियो में. दरअसल मैं रील्स बना रही थी सो इसीलिए और मेरे को मैं जब यूट्यूब खोला था मैंने एंड इंस्टा खोली थी तब लॉकडाउन था तो मैं टाइम दे पाती थी बट आजकल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती हूँ. आप लोग भी पता होगा आप लोगों को. बट इसीलिए अभी दीदी आ रखी है तो इसीलिए सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं. और अभी रात के ना 12 बज रहे हैं रील्स और यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ. सो प्लीज़ एक थम्स अप दे के जाना एंड या दैट्स इट. वीडियो को एंजॉय करो बहुत मज़ा आएगा पूरा देखना एक बहुत मस्त. मैंने जो मॉडलिंग कंपटीशन में ज्वाइन किया था ना उसके लिए ड्रेस मैंने दो बनाए हैं. एक ऊपर का मतलब एक ट्रेडिशनल और एक है गाउन. तो जो ट्रेडिशनल है उसका मैंने एकदम प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है बट गाउन का मैंने एकदम अच्छे से दिखाने की कोशिश की है. एंड या दैट्स इट लेट्स बिगिन. सो गाइस अभी हम लोग नलबाड़ी के लिए निकल चुके हैं मैं मम्मी और दीदी. चलो शॉपिंग करते हैं. ओके गाइस अभी हम लोग नलबाड़ी आ गए हैं एंड अभी चलो कपड़े खरीदते हैं. पहले मेरा सो यहाँ पे हमने ये पिंक कलर का सेटिन का कपड़ा लिया था जो मतलब स्टेज पे बहुत अच्छा लगेगा इसीलिए. एंड उसके बाद मेरे फ्रॉक के लिए मेरे साइज़ के हिसाब से मेरे को 4 मीटर का कपड़ा लिया था. एंड नेट जो है ना ये हाथों में लगाने के लिए 2 मीटर का लिया था. आप लोग अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं. और ये है दुकान जहाँ से हम लोग लेते हैं जब भी कोई ड्रेस वगैरह बनानी होती है. मुन्ना नाम करके है एंड नलबारी में जो इस एरिया में इस रोड में ऐसे दुकान शॉप्स बहुत सारे हैं. एंड या और उसके बाद ये लेस ली थी एंड ये जो मेरे हाथों में जो नेट का कपड़ा लगा था ना उसके एकदम नीचे की तरफ ये लगी थी एंड बहुत मस्त दिख रही थी. और या आप लोग मतलब बहुत कुछ ट्विस्ट डाल के भी बना सकते हो बहुत यू नो हाथों का डिज़ाइन वगैरह चेंज करके. हमने मतलब कुछ और सोच के गए थे हम लोग और कुछ मतलब हुआ कुछ और सोच के हम लोग कुछ और गए थे. पर जो भी हुआ यार इतना मस्त लगाना मेरे को मतलब दिल खुश हो गया था. सो गाइज आप लोगों ने देखा हमने कैसे कपड़े वगैरह चॉइस किए उसके बाद खरीदे. तो हम लोग नलबारी में एक मुन्ना नाम का शॉप है वहाँ से ये सब मेरी मम्मी खरीदती है. वहाँ पे मतलब बहुत मस्त क्वालिटी का मिलता है. आपको कम रेट में चाहिए ज़्यादा रेट में चाहिए जैसा चाहिए मतलब मिल जाता है. सो या वहाँ से हमने खरीदा एंड उसके बाद हम लोग गए मेरे टेलर के पास एंड उन्होंने मेरा नाप लिया उसके बाद. एंड नाप लेने के बाद उन्होंने सिलवाया उसको उनका फैक्ट्री है उसमें भेजा. एंड उसके बाद सिलवाने के बाद उन्होंने एक दिन मेरे को ट्रायल के लिए भेज दिया. एंड तब मतलब क्या होता है ना मेरे कपड़े फिट नहीं होते कभी और मेरे दीदी के फिट आ जाते मम्मी के आ जाते बट मैं इतनी छोटी सी
इसीलिए मेरे कपड़े ना फिट नहीं होते, तो इसीलिए उन्होंने भेज दिया। एंड उसके बाद ये साइड का जो है ना बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था, एंड पीठ का भी ढीला हुआ था, वो मेरी मम्मी ने ठीक किया पीठ का, बाकी साइड को उन्होंने सिल दिया। एंड यहाँ पे एक चेन भी लगाया था, तो चेन भी लगाया था, बट वो चेन मतलब उसकी वजह से जो कपड़ा है ना वो फूल के मतलब गंदा दिख रहा था, तो इसीलिए उसको भी निकालवाना पड़ा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ओकेजन होता है तो उसके 2-3 दिन पहले हम लोग कपड़े ऐसे बोल देते हैं कि मतलब डेट हम लोग गलत बोल देते हैं। मैं आप लोग को टिप्स बता रही हूँ, कभी भी एक्यूरेट डेट मत बताना, 2-3 दिन पहले के डेट बताना, तभी आपका टेलर टाइम टू टाइम आपको कपड़े देगा, वरना मतलब बहुत लेट कराता है। और गलती हो गई तो मतलब भाई साहब, अगर कोई कपड़े में खराबी हो गया तो ओके। सो हम लोग ऐसा करते हैं। एंड कि जो ब्लाउज का एक ट्रेडिशनल का ब्लाउज जो है ना वो एकदम मस्त बना था, वो सब कुछ परफेक्ट था उसका। एंड ट्रेडिशनल वाला एकदम मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा था। एंड मैं पहनूंगी भी, कब पहनूंगी नहीं बताऊंगी अभी, मैं पहनूंगी कहीं तो पहनूंगी, नहीं बताऊंगी अभी। या सो हाँ, तो देखिए बाकी का क्लिप, बहुत बकबक कर लिया। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टेलर के पास, और टेलर का जो ये मतलब उन्होंने शॉप टाइप का जो भी है ये छोटा लग रहा है, बट वो फैक्ट्री में सिलने के लिए जाता है। एंड ये है अलमारी, थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैं। एंड देखो गर्मी देखो, मैं इसी मैंने इसीलिए दिखाया। एंड यहाँ पे अभी साइज़ वगैरह देख रहे थे। हाँ तो पहले ना मेरे, मैंने पहले भी बताया है बहुत बार, मतलब इसके बाद वाले क्लिप्स में भी मैंने बहुत बार बताया कि मेरा साइज़ पहले थोड़ा बड़ा लेते हैं, उसके बाद जो उसको ठीक करते हैं, थोड़ा सा टचअप देना भी पड़ता है। या सो ये यहाँ पे साइज़ ले रहे थे। Final result. Okay, I will show you. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too. Listen, if you're gonna draw, you didn't think I could, but do you know? And just color change hua hai. Color tha wahan pe red tha, aur ye pink banaya hai humne. Taki light mein acche se dikhai de, matlab acha lage light mein. ताकि मैं घर में फिट कर पाऊँ और ताकि छोटा ना हो जाए, सो इसीलिए ये थोड़ा सा लूज रखा है दोनों साइड, अब ये फिट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद इट्स परफेक्ट, बैक साइड देखो, डिजाइन बाय माय ब्यूटीफुल सिस्टर, माय कैमरामैन जिसने अभी कैमरा पकड़ कर रखा है। Wow, I'm looking so pretty. Yes, you are looking so pretty. And देखो यहाँ पे ना जो नेट के दो हाथ लगाने की मतलब हमने सोचे थे, सेम हमने लगाया है। एंड यू नो गाइस, बहुत ही ज़्यादा कम रेट में ना बहुत सुंदर ड्रेस बन सकता है, ये मैं सच बता रही हूँ। ये कपड़ा इतना ज़्यादा वो नहीं है क्या, सो ये कपड़ा जो है ना इस गाउन का इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम लोएस्ट
प्राइस वाला हमने बोला था कि हाँ इन दिनों हमारा थोड़ा सा बजट वो हो रखा है, बट फिर भी फैशन शो है, ज्वाइन करना है तो इसीलिए कपड़े भी है ना होना चाहिए. सो इसीलिए हमने बोला एंड उसके बाद हमको ये निकाल के दिया. एंड उसके बाद इन इसके साथ और भी ऑप्शंस थे वैसे. एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट. सो गाइज यही था आज का वीडियो. होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा क्योंकि इस तरीके के वीडियोस ना मेरे को भी बहुत पसंद है, मैं भी देखती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा. सो मेरी दीदी बहुत ज़्यादा मुंह बना रही है. ओके सो इसीलिए मैं नहीं देखती हूँ, मेरी दीदी देखती है एंड बहुत मज़ा आता है सच में. सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, बहुत मज़ा भी आएगा, आप लोगों को एंटरटेन करने का भी कुछ मिलेगा. एंड मेरे चैनल में मैंने कभी ऐसे वीडियोस नहीं डाले हैं तो आ गए. ओके सो और क्या आप लोगों को ऐसे वीडियोस चाहिए तो बताना कमेंट करके. एंड मैं अपने पापा के कपड़ों से भी बहुत कुछ अतरंगी करती हूँ तो उसका भी वीडियो चाहिए तो बताना. और लोग ना कमेंट नहीं करते, अभी भी कमेंट नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ क्या है कमेंट करने में क्या जाता है, एक लिख दो आई लव यू अनुष्का, ये वो कुछ भी लिख दो, बस कमेंट करो, बहुत मज़ा आता है कमेंट पढ़ने में. और वीडियो देख के जाते हो बट क्या, नहीं क्या इतनी मेहनत होती है यार सब्सक्राइब करके तो जाओ, मेरे को रोज देखने का मन है तो सब्सक्राइब करो. ये मेकअप वाला ठोपरा रोज देखना है तो आज मेकअप नहीं किया है. ओके सो अगर आप लोगों को मतलब मैं पसंद आई ना इतू से भी ना मेरी वीडियो देख के हंसी आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. एंड मैं अपने फर्स्ट टारगेट के बहुत क्लोज हूँ सब्सक्राइबर्स के, जो मेरा फर्स्ट टारगेट है. सो जल्दी कंप्लीट कर दो, अभी नहीं बताऊंगी कितने हुए हैं, सरप्राइज है ये तो. ओके दैट्स इट. तो ऐसे वीडियोस आप लोगों को और चाहिए क्या कमेंट करके बताना. मेरी दीदी और मेरी माँ बहुत ज़्यादा ये सब डिज़ाइन करके कस्टमाइज करती रहती है एंड मेरे को भी ऊपर में बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है, मेरे को भी कपड़े मिलते रहते हैं ऐसे. ओके सो बताना ज़रूर होगा इस भागा दूसरी देख. सो गाइज ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना अभी उल्टी पहनी है, मतलब ये नीचे का साइड है तो ओके बताती हूँ. तो ये मेरी मम्मी ने कस्टमाइज की है ये साड़ी भी एंड ये नेट का कुछ कपड़ा है एंड ये नीचे की तरफ जो पहना है ना 1 मिनट, ये नीचे की तरफ ये कुछ ऐसा पिंक कलर का है एंड इसमें भी इसका ही ये पता नहीं क्या लगाया है, वो लगाया है, मेरे को इसका नाम नहीं पता. एंड हाँ तो ये ऊपर का साइड है, ये नीचे का साइड है, मैंने उल्टा पहना है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड ये ब्लाउज तो ये भी मेरी मम्मी ने कस्टमाइज की है, बहुत साल पुरानी साड़ी है, आई थिंक 2-3 साल से ज़्यादा हो गया है ना, 5 साल आई थिंक हो गए हैं. हाँ बाय. So thanks for watching. Bye guys. Love you all. Subscribe. So thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel. Insta pe follow kar lena. Bahut mast videos dalti thi. Abhi bhi dalti hu. Okay. So Insta pe follow kar lena. Bye guys. Love you all. So thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel. Insta pe follow kar lena. Bahut mast videos banati hu. Haan. Shayad banati hu. To yeah, that's it. Bye guys. Love you all. Jai Sri Krishna Kinti Hari Bol.